आज का हमारा 11th क्लास में टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट्स। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है, इट इज़ ए कोहरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। हम एसआई को कोहरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों कह सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ए कोहरेंट सिस्टम इज़ वन इन विच ऑल द डेराइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द गिवन बेसिक यूनिट्स। जैसे कि अगर आपको कोई डेराइव क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है, जैसे कि स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस एक लेंथ है और टाइम, तो डिस्टेंस लेंथ होने की वजह से और टाइम होने की, लेंथ और टाइम कौन सी है, बेसिक क्वांटिटीज है ना। तो इसका मतलब स्पीड डेराइव क्वांटिटी है, जिसको डेराइव करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ी है, बेसिक की हेल्प लेनी पड़ी है। तो अगर हम स्पीड की यूनिट निकालना चाहते हैं तो मीटर पर सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड हमने कैसे निकाला, लेंथ और टाइम की यूनिट्स को यूज़ करके। तो इसीलिए जो मीटर है या सेकंड है, ये एसआई यूनिट्स हैं। तो एसआई के अंदर एक क्वालिटी होती है कि हम इससे डेराइव्ड यूनिट को डिटरमाइन कर सकते हैं, इसीलिए इसको कोहरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। उसके बाद इट इज़ ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई को रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि आप ये लगा लीजिए किसी भी क्वांटिटी की जितनी भी टाइप्स हैं उन सभी के लिए एसआई यूनिट सेम होती है। जैसे एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और भी जितने टाइप्स ऑफ एनर्जी है, सभी की एसआई यूनिट सेम हुआ करती है, जैसे जूल। तो इसीलिए इस क्वालिटी की वजह से हम इसको रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैंने आपको पहले बताया था कि एसआई को हमने इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया है, तो इसीलिए ये क्वालिटी भी इसके अंदर है। इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बाद इट इज़ ए मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि आप इसके मल्टीपल और सब मल्टीपल्स को 10 की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 1 मीटर है, तो 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10^2 सेंटीमीटर करोगे। तो इसका मतलब हम सब मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए 10^2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मीटर जो 10^2 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से हम चाहे मल्टीपल या सब मल्टीपल जिसमें भी कन्वर्जन करना चाहें तो 10 की पावर का यूज़ करें कर सकते हैं। इट इज़ एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रेविटेशनल यूनिट यूज़ नहीं होती। हम एसआई को डिटरमाइन करने के लिए कहीं भी 9.8 का यूज़ नहीं कर रहे, तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स इसमें यूज़ नहीं है हो रही। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सीजीएस सिस्टम। क्लोजली रिलेटेड टू सीजीएस सिस्टम का मतलब है कि अगर आप मल्टीपल सब मल्टीपल में कन्वर्जन करते हो, सबसे पहले हम किस में कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं, सीजीएस में, जो मोस्ट कॉमन यूज होती है। तो ऐसा ही के बाद सीजीएस ही एक ऐसी यूनिट जिसको हम प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, इसका मतलब रिवर्स भी, सीजीएस से एसआई में भी कन्वर्जन की जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से एक एग्जाम में जरूर आता है, तो इसे आप रिवाइज जरूर करें और नोट कर लें।